हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि अगर शिप एंकरेज पे होता है तो खाना यानी प्रोविजन आता कैसे है और कहां से आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कि सामने एक बोट आई है और इस बोट पे ही हमारा प्रोविजन रखा हुआ है। अब ये कुछ आदमी जो है प्रोविजन लेके आए हैं, वो गैंगवे से ऊपर चढ़ रहे हैं। ये बहुत ही रिस्की है। फ्रेंड्स देखिए, अब ये जो बोट है ये पीछे आ रही है जहाँ पे शिप की क्रेन है। तो पूरा वीडियो आप मेरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो ये देखिए क्रेन नीचे आ रही है, इसी क्रेन में प्रोविजन को बांध दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा, जो कि वापस शिप पे आएगा और हमारा प्रोविजन ऊपर आ जाएगा शिप पर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा आने वाले नए नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, आप जब एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो प्लीज़ उसे दोबारा सब्सक्राइब करने का कोशिश ना करें, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। लीजिए फ्रेंड्स, प्रोविजन अब हमारे शिप पर आ चुका है। अब इसे अंदर प्रोविजन स्टोर पे ले जाएंगे और सामान वहाँ पे सेट कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये है प्रोविजन स्टोर। यहाँ पे सारा ग्रोसरी आइटम रखा हुआ है, जैसे आटा हो गया, चावल, दालें एक्सेट्रा। इधर पे वेजिटेबल रूम है, यहाँ पे सारी फ्रेश वेजिटेबल रहती हैं। इस रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री होता है। ये मीट रूम है, इस रूम का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।